हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि HP JOA की टाइपिंग कैसे करें, उसका बेसिक बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो खुद करके ही होगी, पर बेसिक थोड़ा सा समझाता हूँ। तो जो आपकी पोजीशन है हैंड्स की, वो मिडल जो ये है मिडल रो, उस पर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी ये मिडल फिंगर्स हैं, तो देखिए इसकी पोजीशन ये जे पे होनी चाहिए, ये के पे होनी चाहिए, ये एल पे, और ये इस पे। ठीक है, और यहाँ पे ए एस डी और एफ पे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे इजीली आप ऊपर को जा सकते हैं, जैसे क्यू डब्ल्यू ई आर ऐसे ऊपर, नीचे को भी आप आराम से मूव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ फिंगर्स को रख के प्रैक्टिस करोगे, तो थोड़े टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आपकी उंगलियों को खुद खुद प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी टाइपिंग स्पीड खुद बढ़ जाएगी। तो कोशिश करिए आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपकी उंगलियों को आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं एक मॉक दे के बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक typing.com साइट खोली हुई है, इस पर आपको एक मॉक दे के बताता हूँ। ठीक है, मेरी कितनी स्पीड आती है। ठीक है, तो ये है मॉक दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक मिनट का लगाया हुआ ये। ठीक है, ये देखिए आप इजीली ऊपर को जा सकते हैं, नीचे को जा सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए कम से कम गलतियाँ हों, क्योंकि गलतियाँ करोगे तो बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, अगर बैक स्पेस दबाओगे तो उतना ही आपकी स्पीड कम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूँगा अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मेरी जो स्पीड आई है 51 बर्ड पर मिनट, 97% एक्यूरेसी के साथ। तो अभी वैसे हमें ये तो है स्पीड बनाने के लिए, पर हमें प्रैक्टिस कागज़ पे करनी है। तो कागज़ क्योंकि वहाँ पेपर में हमें ऐसे पेपर दिया जाएगा, तो हमें उसी से ही टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो आपको इससे टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए और इससे ही आपको ऐसा ही, क्योंकि आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसमें टाइपिंग करोगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली थोड़ी बहुत कम होगी। ठीक है, उसमें आपकी स्पीड ज़्यादा आएगी। तो कोशिश करिए ऐसे ही टाइपिंग करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मैक्सिमम टाइपिंग ऐसे करें, इससे क्योंकि ऐसा ही कुछ आपको पेपर वहाँ पे पेपर में मिलने वाला है और ऐसे ही टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें ऐसे ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, स्टार्टिंग में चलो आपको अपनी फिंगर्स की पोजीशन बनाने के लिए वैसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद ऐसे भी मॉक दें। ऐसे मॉक दोगे तो ऐसे ही मॉक आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्योंकि अभी आपने एक जो स्टेज एग्ज़ाम की पार कर लिया, दूसरी स्टेज को भी पार करें। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही वीडियो मैं और लाता रहूँगा।